थोड़ा आगे आओ ना मैम, थोड़ा आगे आओ ना, आगे आ जाओ ना। रकुल जी सर सेंटर में मैंने इस टीम के साथ काम किया था 2012 में, तो अच्छा लगता है। ओके, सो किस तरह का आप रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट होगी ऑडियंस के जाने के लिए, कि आप क्या बताना चाहेंगे रोल के बारे में? ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज़ वी आर स्टिल फिल्मिंग, बट आई प्ले अ कॉप। सो कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह से आप फील कर पा रहे हैं जब वो वर्दी पहन रहे हैं, जब वो यूनिफॉर्म को आप पहन रहे हैं, तो क्या कुछ फील होता है यूनिफॉर्म को पहनकर? मैं बस अपनी सबसे पहले तो टोपी बदल देता हूँ। ओके, ठीक है। और दूसरा यही है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और एक बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क दिखता है जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं या यू नो वो वर्दी पहनते हैं जो इतनी प्रिविलेज्ड होती है। सो यू फील गुड और रिस्पॉन्सिबल। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि हम उसे जस्टिस दे पाएँ। और अपने कोस्टार्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कौन कौन आपके साथ नजर आ रहा है? कल हमारा सीन था राहुल देव जी के साथ, बरखा के साथ आज है, अन्ना के साथ, सुनील शेट्टी सर के साथ किया। और एवरीवन इज वेरी चिल्ड आउट, यू नो, बहुत सपोर्टिव हैं, मजाक मस्ती चलती रहती है सेट पे। आपके जो फैंस हैं वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कब रिलीज होगी। सो बहुत सारे ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कब क्या कुछ रिलीज होगी, ऑडियंस को क्या कुछ देखने को मिलेगी? पहले थर्सडे तो बहुत जल्दी रिलीज सबसे पहले होने वाली है, और उसके बाद शायद वेब सीरीज आएगी, एंड एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाता, बट इट्स इन द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग। थैंक यू सो मच, लव यू। फोटोज